उत्तराखंड के शहीदों को सम्मान देने और उनके परिजनों को गौरवान्वित करने के दृष्टिगत बागेश्वर में शहीद सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शहीद सम्मान के तहत 87 शहीदों के परिजनों को ताम्रपत्र और शॉल भेंट कर सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि देश के लिए जिंदगी न्यौछावर करने वाले शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि शहीदों के सम्मान में इस यात्रा के तहत देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम में शहीदों के घर आंगन से मिट्टी को एकत्रित कर इस पवित्र मिट्टी को वहां सैन्य धाम में एकत्रित कर शहीदों की याद में सैन्य धाम का निर्माण किया जाएगा। ने जो विचार दिया था कि चार धामों के बाद सैन्य धाम यहाँ पर बनना जरूरी है क्योंकि हर घर में एक सैनिक है, तो उनके विचार ने आज मूर्त रूप लिया है। शहीद सम्मान यात्रा इसी उद्देश्य से निकल रही है। किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी घर का कोई भी शहीद जहाँ हुआ हो उसके घर से मिट्टी लाकर, पवित्र रज लाकर हम इस शहीद धाम को अर्पित कर रहे हैं और शहीद धाम ऐतिहासिक बन रहा है, विश्व की धरोहर बनने जा रहा है। वहीं शहीदों के परिजनों को सम्मानित करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा शासनकाल में सैनिकों और शहीदों के परिजनों का पूरा सम्मान किया जाता है। जल्द ही 1734 शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी से देहरादून में सैनिक धाम की स्थापना की जाएगी। वहीं शहीदों के परिजन भी सम्मान मिलने से काफी भावुक हो उठे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया कि आज उन्हें जो सम्मान मिला उसे वो ताउम्र याद रखेंगे। मोदी जी का ये सम्मान मुझे बहुत ही पसंद आया। हाँ, आज मतलब लगा कि मेरे पिताजी अभी भी जिंदे हैं। सन 62 से आज 2020 में आज हमें सम्मान मिला। प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष सुनील गड़िया जी। हाँ, मैंने तो पापा देखे नहीं, मैं बहुत छोटी 6 महीने की थी तो मैंने देखे नहीं, मेरी मम्मी बोलती थी वो भी कि हमने बहुत दुखी जीवन आज आप यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। मेरे पापा घर आए थे 2 महीने पार्टी की, लेकिन तीसरे दिन ही बोलते थे, मेरी माँ लोग बोलती थी चाहे पुष्कर सिंह आदेश आया नीचे से तो तीसरे दिन ही चले गए बल। उत्तराखंड के शहीदों को सम्मान देने तथा उनके परिवार व परिजनों को गौरवान्वित करने के दृष्टिगत उत्तराखंड शहीद सम्मान यात्रा प्रारंभ की गई है। शहीद सम्मान यात्रा का मुख्य उद्देश्य मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारजनों को सम्मानित कर उन्हें गौरवान्वित किया जा रहा है। बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।